हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा। हम खड़े हैं इस समय ओमिक्रॉन 2 सेक्टर में और ये ब्लॉक है सी। तो आज हम आपको यहां पर, जैसे लोग पूछते हैं कि अगर हम यहां पर घर लेना चाहें या रहेंगे तो हमें जो डेली नीड्स का जो सामान होता है, दूध है, ब्रेड है या कुछ भी सामान छोटा मोटा, तो कहाँ से लें, क्योंकि अब उस उतने सामान के लिए इस सेक्टर में कहाँ भटकेंगे, क्योंकि यहाँ पर दुकानें तो है नहीं कोई ऐसी। तो यहाँ पर देखिए, सामने आप देख रहे हो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, ये आपको मैं जो सामने दिखा रहा हूँ ये हट है और ये यहाँ से आप डेली नीड का सामान खरीद सकते हैं, ठीक है, जैसे दूध, दही, ब्रेड, जो भी लेना हो। चलिए हाँ, चलते हैं सड़क पर और देखते हैं कि क्या क्या सामान मिलता है यहाँ पर, अगर इस सेक्टर में अगर रहना चाहे कोई तो कैसे सामान खरीदना है। ये हट बनी हुई है, देखिए लिखा हुआ है इस पर, और ये देखिए बाहर सामान रखा हुआ है थोड़ा बहुत। तो देखिए ये ब्रेड वेड रखी हुई है, आप देख सकते हो ब्रेड है, ये हट है, देखिए ब्रेड है, ये हट है, देखिए छोटा मोटा सामान जो लेना है। बाकी तो वैसे लोग आजकल ऑनलाइन मंगा ही लेते हैं। और ये कीजिए, देखिए दूसरा हट है यहाँ पे, देखिए यहाँ रिपेयरिंग वाले का भी नंबर लिखा हुआ। वैसे यहाँ पर दूध और दही वगैरह मिलता है, इसमें आज बंद है ये, हो सकता है अभी दोपहर की वजह से बंद हो। तो यहाँ पर आपको दूध दही भी मिलता है। इसके अलावा बात करेंगे कि यहाँ पर सब्जी कहाँ से खरीदें, है ना। तो चलिए वहाँ पे भी हम अभी चलेंगे। ये देखिए ग्राउंड भी है यहाँ पर, लोग यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते हैं और बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है, चारों तरफ हरियाली है। तो हम चलिए वहाँ चलते हैं जहाँ से सब्जी खरीदते हैं, ठीक। तो देखिए हम सामने ये गोल चक्कर है यहाँ ओमिक्रॉन 2 में सेक्टर में, और ये गोल चक्कर सामने, और इस गोल चक्कर के पास में ही देखिए कि ये यहाँ पर एक मंदिर बना है। ये देखिए एक टेलर बैठे हुए, टेलर भैया बैग वैग कुछ सिलवाने हो तो सिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो देखिए यहाँ पर गोल चक्कर ये सामने दिख रहे हैं, और गोल चक्कर के पास में ही देखिए ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, ये देखिए सामने मंदिर है, इस सेक्टर में मंदिर भी बना हुआ है एक। तो यहाँ पर मंदिर दर्शन भी कर सकते हैं आप मंदिर के, ठीक है जी। ये डस्टबिन लगे हुए हैं यहाँ कोने पर, गंदगी फेंकनी है तो। फूल माला खरीदनी है यहाँ पर, देखिए दुकान लगाई हुई है फूल माला के लिए, है ना, फूल माला के लिए दुकान लगाई है। और बात करने देखिए यहाँ इधर गोल चक्कर से इधर, ये देखिए यहाँ पर सब्जी देखिए यहाँ मिलती है, ये दो स्टॉल लगे हैं यहाँ पर सब्जी मिलती है। तो अगर आपको सब्जी खरीदनी है तो यहाँ से सब्जी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ सब्जी रखी हुई है, और दुकान है फ्रेश फ्रूट करके, यहाँ दुकान है। और इसके अलावा एक सामने भी है, अभी बंद है वहाँ पे। तो यहाँ से भी आप देखिए, सफाई चल रही है यहाँ पर, अथॉरिटी के लोग हैं सफाई कर रहे हैं। ये देखिए एक सब्जी की दुकान ये है, अभी बंद है दोपहर का टाइम है, तो सब्जी यहाँ से ले सकते हैं। सफाई का काम चल रहा है, सफाई चल रही है इस समय। तो दोस्तों हम यहाँ सी ब्लॉक में हैं, देखिए ये अथॉरिटी के कोई हैं सफाई कर्मचारी। तो आपका नाम क्या सर? मेरा नाम अजीत सिंह। अजीत सिंह, ये अजीत सिंह है यहाँ पर, और देखिए ये और भी लोग हैं यहाँ पर, सफाई चल रही है यहाँ पर सेक्टर में। तो सर यहाँ पे सफाई आप रोज करते हैं? डेली होती है। डेली होती है, कितने लोग हैं आप लोग? 11 बंदे। तो पूरे सेक्टर के 11 लोग सफाई करते हैं? फिर इसके बाद ये कूड़ा वगैरह कैसे? 4 बंदे हैं गार्बेज पे। गार्बेज पे, तो घर से कूड़ा उठाते हो? घर घर से उठाते हैं। गाड़ी है कैसी है? गाड़ी आती है। तो कूड़ा लोग क्या बाहर, घर के बाहर रखते हैं? उठा ले जाते हैं। और जैसे यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन वगैरह लोग करते हैं, इसका जो मलबा होता होगा उसको कैसे करते हैं? उसका तो कंप्लेंट देनी पड़ती है, अलग से गाड़ी आती है। अलग से गाड़ी आती है, पैसे लेती होगी वो? कितने? अच्छा अच्छा, वो पता नहीं है। तो यहाँ पे सेक्टर में आजकल रेट का पता आपको, रेट कितनी चल रही है? नहीं मालूम है तो ना। अच्छा, रेट नहीं मालूम है यहाँ पर रेट का, क्योंकि कब्जा तो फाइनेंसर का ही रहता है वैसे। और यहाँ पे इस सेक्टर में कितने पार्क हैं? प्रत्येक सेक्टर में, ब्लॉक में है 4 पार्क हैं। 4 हैं, 4 ब्लॉक हैं, जिसमें सी है, ए है, बी और डी। डी है वो 90 स्क्वायर मीटर का है, सी है 120 स्क्वायर मीटर का, ए और बी 250 स्क्वायर मीटर के हैं।
सारे घर बने हुए इंडिपेंडेंट विला है पूरे, है ना? अच्छा अच्छा, तो जो अथॉरिटी ने कब बना के दिया था यहाँ पे ये सेक्टर घर बना के? सर आपका नाम क्या है बताइए आप? सुखबीर जी हैं, ये बताएंगे कब सर कब बना ये कब घर मिले यहाँ पर? ये करीब करीब 2000 से बने हुए हैं। 2000 से बन गए? तो यहाँ पे उस समय तो ड्रॉ वगैरह में निकले होंगे ये घर लोगों के? डी ब्लॉक में जाना। अच्छा अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं सर? नहीं सर, अपने अपने गांव से आते हैं। तो यहाँ पे आप अथॉरिटी में परमानेंट हैं कि ऐसे ही? ठेकेदारी में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम ये सुखबीर जी से और ये अजीत जी, अजीत जी से बात करवा रहे थे। ये लोग यहाँ पर सफाई का वगैरह का देखते हैं, तो बता रहे थे कि पूरे सेक्टर में सफाई होती है। 11 लोग हैं ये लोग, अच्छे से आप देख ही सकते हैं। वैसे भी सेक्टर 4 देखिए कितना क्लीन है, एकदम कुछ भी नहीं है गंदगी। ये गोल चक्कर बना हुआ आप देख सकते हैं। तो चलिए, हम ओमिक्रॉन 2 में थे और हमने कहा था ओमिक्रॉन 2 से ही दिखाएं, क्योंकि सबसे बढ़िया सेक्टर यही है। ये सामने सी ब्लॉक है आपका, और अगर इधर देखें तो ये मंदिर के पीछे जो है पूरा बी ब्लॉक है। देखिए रोड कितने चौड़े चौड़े रोड हैं, देखिए आप ये रास्ता, ये ब्लॉक ए के लिए जा रहा है। और इधर अगर पार्क के पीछे देखें हम तो डी ब्लॉक है, 90 स्क्वायर मीटर का। रेट के बारे में उन्हें पूछा हमने, उन्हें आइडिया नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं जो फाइनेंसर्स की रेट है, जो आज की डेट में यहाँ पर 250 मीटर का जो बताते हैं, यहाँ पर 1.5 करोड़ के आसपास है, 140 से लेकर और स्टार्ट है यहाँ पर। बाकी लोकेशन वाइज है, ये मंदिर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सामने है ए ब्लॉक। तो दोस्तों चलिए, और भी कुछ होगा तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।